देवघर जिला एनएसयूआई द्वारा एनएसयूआई के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर देवघर जिला मुख्यालय में जिलाध्यक्ष नसीम हुसैन के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश भी सूत्री, उपाध्यक्ष मुन्नन संजय, प्रदेश सचिव फैयाज कैसर, सेवा दल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह उपस्थित थे। मौजूद सभी छात्र नेताओं ने शपथ ली कि छात्र हित के लिए सदैव ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। मौके पर उपस्थित जिला अध्यक्ष नसीम हुसैन ने कहा कि एनएसयूआई सदैव छात्र हित के लिए कार्य करती है और छात्र मुद्दों को लेकर सदैव छात्र हित की लड़ाई लड़ती है और मोदी सरकार छात्रों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा की थी जो सिर्फ जुमला निकला और मोदी सरकार लगातार छात्र तथा युवाओं को छलने का काम किया। देश के छात्र तथा युवा वर्ग परेशान है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी संसद में सत्य बोलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, फिर भी हमारे नेता राहुल गांधी डरने वाले नहीं है और हम सब इस संघर्ष की घड़ी में अपने नेता राहुल गांधी के साथ हैं। मौके पर युवा कांग्रेस अमित पांडे, विक्रम पत्रलेख, एनएसयूआई के जिला महासचिव अमजद खान, जिला उपाध्यक्ष अटल मिश्रा, जिला सचिव गौरव भारद्वाज, नगर अध्यक्ष प्रियांशु, अश्विनी कुमार सिंह, आलम खान, मुशर्रफ अंसारी, सूरज सिंह आदि दर्जन एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।